समथिंग न्यू इन द हाउस और आउच आउच यार आजकल पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है, खुद के आधी चोट तो खुद के खुद ही मार लेते हैं, कभी पैर तुड़वा लिया, कभी कहीं चोट खा ली, दुखों की सीमाएं नहीं है। चलो शुरू करते हैं। जिंदगी में बहुत से समय ऐसे आते हैं जब मैं सोचता हूँ काश मैं एक्सरसाइज कर लूँ, पर पता नहीं आलस बहुत है ना, तो बोलो ना कम से कम यूं तो नहीं लगेगा। जिस दिन ये आलसपन छूटा उस दिन ऐसी बुढ़ी बना लेंगे। बस ऐसी नहीं बनानी है जो बफ मियां वाला फील दे, इतनी गंदी लगती है ना, ये इतनी ख्वाब है। अरे यार फिर भी चलो एक्सरसाइज तो हमने भी करी है, एब्स भी निकाले हैं, डोले शोले भी बनाए, सब कुछ है, पर वो जो होता है ना कभी दिल नहीं करा कि वो वाली बॉडी बनाए कि यूं 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 चलना पड़े छाती से निकाल के, चलते तो हम भी ऐसी दे, वो तो कुछ ज्यादा ही गंदी सी लगती है। तो आज हमने अपने आलस का कुछ जुगाड़ मंगाया, लेट्स ओपन दिस, लेट्स अनरैप अनरैप अनरैप। ये चक्कू भी मेरे ख्याल से हमें करना ही पड़ेगा कितना कुछ जुगाड़। आर यू रियल यार है, हियर वी गॉट बिल, ओ माय गॉड इतना महंगा प्रोडक्ट है, सोचा नहीं था। बोल्ड फिट रबड़ टमी ट्रिमर मैन एंड वुमेन फॉर एब्स वर्कआउट, फैट घटाएंगे एब्स बनाएंगे। तो आज हमने मंगवाया बोल्ड फिट कंपनी का टमी ट्रिमर, एंड बोल्ड फिट की एक चीज जो अलग सी होती है ना वो उनकी, अगर वो बोल्ड फिट का प्रोडक्ट है तो उस पर ये वाला निशान जरूर मिलेगा आपको, और बोल्ड फिट का है ना तो ये जरूर उसके ऊपर रैपिंग लगाते हैं कि हाँ भाई क्वालिटी एश्योर्ड। बाकी लेट्स सी, तो है ना चीज बढ़िया देखने में, पूरा ये भी सारा फोम का दे रखा है, ये भी फोम का सा दे रखा, पर यूं नहीं है कि हाँ मटेरियल टूटने वाला सा नहीं लग रहा, एक होता नहीं कि हाँ भाई जोर मारने से टूट सकता है, सारा यूं लग रहा ये रबड़ का है, एंड बीच में आई गेस कहीं यहाँ पे प्लास्टिक रोड दे रखी है, ये भी रबड़ है ये प्लास्टिक रोड है, यार चीज तो बहुत स्टर्डी सी दे रखी है और रंग भी सही है, एंड हेयर का बोल्ड फिट इंसिग्निया एंड साइन, चीज में बढ़िया पता क्या है, इसको एक्सरसाइज करने में आपके पैरों पे जोर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी फॉर्म का दे रखा है, यहाँ से भी आपके पैरों का जो बीच वाला हिस्सा है ना इस पे दबाव अच्छा पड़ेगा तो अच्छा फील होगा, इसको चाहे आप घुमा भी सकते होगे, हाँ ये घूम भी सकता है ये वाला जो हिस्सा है। ये वाला चीज घूम गया तो ये ऐसे भी आपके पैरों में प्रेशर देगा तो आराम पड़ेगा। और रहा सा इसको करने का सिंपल सा तरीका कि आप अपने पैर इसमें लगाओ एंड जस्ट ट्राई टू पुल दिस फ्रॉम योर हैंड, अब मैं करके दिखाऊं क्या, कोई ज़रूरत है, बस यही सुनना था मैं। बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी में मज़ा आ गया देख के, यूँ नहीं है हल्का सा मटेरियल नहीं है बिल्कुल भी, रही बाकी ज़्यादा चीज़ तो हम भी यूज़ के बाद ही बता पाएंगे, पर हाँ वो था मुझे कि मंगवाना तो था ही, एब्स टाइट भी तो करने हैं, पर एक चीज़ है ब्रो आप चाहे कितने भी बना लो कितने भी एब्स बना लो, अगर आपको उनमें वो चाहिए ना रॉक हार्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको डबे डूबे या ऐसी कोई चीज़ लेनी ही लेनी पड़ेगी, कभी ऐसे नहीं बन सकते वो रॉक हार्ड जैसे से, क्योंकि आप कितना भी खा लो पी लो आप कुछ ना कुछ आपका रह ही जाएगा, प्रोटीन में डाइट में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी आपकी रह ही जाएगी जिसको वो चीज़ पूरा करती है, तो उस चीज़ का अभी तक तो कोई ऐसा अल्टरनेट मिला नहीं, मैंने बनाए हैं बने हुए हैं पर सिर्फ उतने पे है कि हाँ बस वो है, वो वाली बात नहीं है जो वो बिल्कुल गिट्टे से नहीं बन जाते बिस्किट,
वो वाली बात नहीं निकल पाती कभी भी। और बाकी फिर डब्बे खाने का जी भी नहीं करता। तो थोड़ा सा इसकी मदद लेके देखते हैं उनको और कैसे एनहांस किया जा सकता है। बाकी तुझे क्या लगता है, इससे वेट टूटेगा? बिल्कुल, कुछ ना यस, कुछ तो फर्क कुछ ना पड़ेगा। कुछ तो फर्क पड़ेगा। एक्चुअली में ये चीज है भी इसलिए, जब टमी स्लिमर है ना तो ये आपके फैट पे अच्छा काम करेगी। बिकॉज है क्या इसका मैकेनिज्म है क्या, जैसे अपन अपना जो क्रंचीज वाला नहीं होता, या फिर आप वो करते हैं पुल करने वाली जो शोल्डर के लिए मेजरली होती है, बट इसका मेजर है कि ये पैरों से अगर रुकी हुई है ना तो फिर ये शोल्डर के साथ साथ आपके पेट पे भी काम करेगी। और वो चीज जो एक्सरसाइज करते थे ना, जो शोल्डर पे खींचने वाली हो, पेट की तरफ लाके खींचना होता था, उससे बैक और शोल्डर पे ज्यादा पड़ता था, पर उससे पेट पे भी फर्क पड़ता था। ये कुछ वैसी सी चीज है। और एक्चुअल में मशीन से ज्यादा अगर मैं इस पर 10 मिनट भी लगा लूं, आप ये भी तो सोचो ना कि हाँ आपका समय भी तो बच रहा है। होम जिम इक्विपमेंट का ना ये फायदा होता है कि आपका समय बचता है, आप किसी भी टाइम कर सकते हो, आपको एक स्पेसिफिक टाइम की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी भी टाइम कर सकते हो ना, तो आपके पास अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए स्पेसिफिक टाइम भी मिल जाएगा। तो ये घर में एक छोटा मोटा तो एक्सरसाइज करने वाला एरिया होना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल एरिया होने से कुछ नहीं होता है, वहां जाके एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। बोल, नियत भी होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए। एग्जैक्टली चलो लेट्स सी, नया प्रोडक्ट मंगाया है, इसकी नियत कब तक बनती है देखते हैं। कब स्लिम होएगा रे तू? तेरे भी मेरी तरह एप्स आने चाहिए, दोनों भाई फिर रूम पता वैसी सी शर्ट पहनेंगे कि हाँ यहाँ से एप्स दिखे, बाकी पूरा नया हो बस एप्स दिखे। तो बुंडा सा लगेगा, बढ़िया लगेगा, यू नो बोराट देखे देखना। चलो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।